एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी, मूंग की दाल का हलवा, जिसे खाकर सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी रेसिपी को बनाना। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वह हैं मूंग की दाल 500 ग्राम, ड्राई फ्रूट्स, मैंने यहाँ मगज, बारीक कटे हुए बादाम और स्वाद अनुसार पिस्ते लिए हैं। फिर इस हलवे का आता है सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट घी, जिसके बिना यह इसका स्वाद नहीं आता। कम से कम 400 से 500 ग्राम दूध, करीबन 1 किलो चीनी, 500 ग्राम। सबसे पहले हम दाल को अच्छी तरह से धोकर कम से कम 25 से 30 मिनट भीगने के लिए रख देंगे। इससे हमारी दाल सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम दाल का पानी निकालकर दाल को सुखाएंगे। इसके लिए आप कोई भी प्लेट या परात या बोल में दाल को फैला लें या कपड़े से पोंछ के सुखा लें। जब तक दाल सूख रही है, हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर स्टेपला से लगातार चलाते हुए ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लें और फिर अलग से निकाल लें। दाल को कढ़ाई में डालिए और अच्छी तरह से रोस्ट कर लीजिए। अब हम दाल को मिक्सर में पीसेंगे। इसके लिए दाल के 4 भाग कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा कर मिक्सर में डालिए। इससे दाल अच्छी तरह से पिस जाए। एक बार चलाइए, फिर लिड खोलकर दाल को ऊपर नीचे कर लीजिए और फिर एक बार चलाइए। अब कढ़ाई में घी डालकर दाल को भूने। इसे इसी तरह 15 से 20 मिनट तक भूनते रहिए। अब हम इसमें दूध और 1 कप पानी डालकर मिक्स करेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसमें चीनी मिलाएंगे। को मीडियम फ्लेम पर ही रखिए और 25 से 30 मिनट कड़छी से चलाते हुए हलवे को पकाइए। अब इतनी टेस्टी डिश बनाने के लिए यह तो करना ही होगा। अब ड्राई फ्रूट्स और इलायची के दाने पीसकर मिक्स करिए, साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार घी भी डालते रहिए। अगर आप हलवाइयों जैसा टेस्ट चाहते हैं तो घी तो खूब डालना पड़ेगा।
हमारा हलवा ऑलमोस्ट रेडी है, बस 2 मिनट और। फाइनली हमारा बहुत ही टेस्टी मूंग की दाल का हलवा अब तैयार है। वैसे तो यह हलवा गरम गरम खाने में स्वाद लगता है, पर मेरा एक्सपीरियंस यह रहा है कि इसका स्वाद दूसरे दिन दोगुना हो जाता है। इसका टेस्ट नेक्स्ट डे और भी उभर कर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गिव अस फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो।